हमारा जहाँ तक मानना है कि ये घबराहट और छटपटाहट अखिलेश जी की है, इस नाते वो एक्स पे लीक करके ऐसा कहें भाई हम 11 दे देंगे, ममता जी आउट, नीतीश जी आउट, अब केजरीवाल का नंबर। कांग्रेस के संबंध में अखिलेश जी ही बोल चुके हैं इनके पास वोट नहीं है, हम इनके साथ 17 में गठबंधन करके हमारी भूल थी। समाजवादी पार्टी पिछड़ों का हक लूटने का काम किया है 4 बार में, मुसलमानों का हक लूटने का काम किया है, मुसलमानों को सिर्फ नफरत दिया है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, जिन्होंने कांग्रेस को 11 सीटें देकर तहलका मचा दिया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता हैं, जो कह रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व से बात होगी और जो भी फैसला होगा वो दमदार तरीके से होगा। लेकिन इन सब के बीच ओम प्रकाश राजभर ने अब अखिलेश यादव के इस फैसले पर चुटकी ले डाली है। ओम प्रकाश राजभर ने यूपी तक से बात करते हुए कहा कि अखिलेश का ये फैसला उनकी छटपटाहट दिखा रहा है कि आखिर जो गठबंधन वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो सिर्फ हवा में है और वो एनडीए का कुछ नहीं कर पाएगा। सुनिए क्या कुछ ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद करीबी थे, लेकिन आजकल राजभर जी अखिलेश यादव पर नाराज चल रहे हैं। ये बताइए कि अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि 11 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव, क्या होगा 2024 तक इनका इंडिया गठबंधन का? देखिए, इंडिया गठबंधन का गेम ओवर हो गया, ममता जी आउट, नीतीश जी आउट, अब केजरीवाल का नंबर, अब बचा कौन? कांग्रेस के संबंध में अखिलेश जी ही बोल चुके हैं इनके पास वोट नहीं है, हम इनके साथ 17 में गठबंधन करके हमारी भूल थी, अब किस बूते लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी पिछड़ों का हक लूटने का काम किया है 4 बार में, मुसलमानों का हक लूटने का काम किया है, मुसलमानों को सिर्फ नफरत दिया है। दिया किसको क्या है? अखिलेश जी ने अपनी जाति को चीन करके जो योजनाएं थी प्रदेश की, सभी योजनाओं को अपनी जाति को देने का काम किया। 11 सीटों को लेकर बात हो रही है, कांग्रेस कह रही है कि अभी कुछ क्लियर नहीं है, क्या इनके बीच में अभी, चूंकि मध्य प्रदेश के चुनाव में दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ी वहां पर, तो क्या अभी कुछ बिगड़ने की भी उम्मीद है कि बन गई है बात? देखिए, अब हमारा जहां तक मानना है कि ये घबराहट और छटपटाहट अखिलेश जी की है, इस नाते वो एक्स पे लीक करके ऐसा कहें भाई हम 11 दे देंगे, अब उधर वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे, अब तो उस उधर से कि समझौते होते हैं, समझौते होने जो फाइनल होते हैं तो प्रेस होती है, प्रेस के सामने ही होता है कि इतनी सीटों पर हमारा इनका गठबंधन तय हो गया, सीटों का बंटवारा तय हो गया, राजा के पता नहीं मुसहरा बन बांट ले तो ये कौन बंटवारा है? 2024 में ये उत्तर प्रदेश में कुछ कर पाएंगे? पीडीए का फॉर्मूला लेकर के आए, आरएलडी को साथ में लेकर के आए हैं, अब तो कांग्रेस भी साथ में आ गई, और आप कह रहे थे कि 2017 में अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी भूल थी, तो भूल सुधार ली अखिलेश यादव ने? ओटवा कहां से आ गया कांग्रेस के पास, वोट कहां से आ गया कांग्रेस के पास, कौन सा तोप कांग्रेस ने कर दिया? आज तो राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे, जनता को क्या दिए? लखनऊ से संतोष कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।